सब्सक्राइब कीजिए संस्कृत दर्शन चैनल को और नोटिफिकेशन घंटी को दबाएं, जिससे संस्कृत से संबंधित वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हों। मैं आप सभी का स्वागत है। कर्म में हम द्वितीय का चतुर्थी का विधान देख रहे हैं। एक सूत्र समझाने का प्रयास करूंगा। ये थोड़ा कठिन था समझाने में, थोड़ी प्रक्रिया थी, इसलिए मैंने इसको अकेले ही सूत्र को समझाने का प्रयास करूंगा। यहां चतुर्थी विभक्ति कर्म में चल रही है, ठीक है ना। चतुर्थी विभक्ति का जो प्रयोग है वो हम कर्म में देख रहे हैं। तो एक सूत्र है उसको ले लेते हैं। क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, ठीक है। क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, ये इसका सूत्र है। इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा तो बातें आपको साफ होती चली जाएंगी। इसकी जो बातें हैं मैं इनके एक एक अर्थ को समझाता हूं, शब्द को। थोड़ा सा इसमें कुछ अध्याय भी करना पड़ेगा। जैसे ये क्रियार्थ है, इसको ले लेते हैं पहले, ठीक है ना। फिर है ये उपपद, कर्मणि और स्थानिना, देखिए थोड़ा सा समझेंगे। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन इन अर्थों को अगर आप समझ गए फिर इसका ये मानिए बहुत ही सरल विधि हो जाती है इसकी। क्रियार्थ क्या है? क्रियार्थ का मतलब होता है क्रिया के लिए, क्रिया के लिए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती उसमें, इसलिए मैं बताया था थोड़ा इसको समझना है। क्रियार्थ यानी क्रिया के लिए, इतनी बात करके ये अधूरा हो जाता है। यहां एक जो शब्द है क्रिया, इसको हमें दोबारा से इसको लेना पड़ेगा। क्रिया के लिए क्रिया, इसमें याद रखना है ना। इसको मैं जब उदाहरण बताऊंगा आपको तो बात साफ होती चली जाएंगी। क्रियार्थ में यहां तात्पर्य लिया जाएगा क्रिया के लिए क्रिया, ठीक है। उपपद का मतलब जो उपपद हो, उपपद सिद्ध उपपद है। क्रियार्थ क्रिया के लिए क्रिया, जो क्रिया है जो उपपद में हो, कर्मणि उसके कर्म में, ठीक है ना। स्थानिना, स्थानिना का शब्द का मतलब यहां प्रयोग किया गया है जो प्रयुक्त ना हो या छुपी हुई हो, ठीक है ना। अप्रयुज्यमान माना गया है इसको, ठीक है, जो प्रयुक्त ना हो, ऐसे शब्द के लिए प्रयुक्त किया गया है इस्तेना। तो ऐसी क्रिया जो प्रयुक्त ना की गई हो वाक्य में, थोड़ा ध्यान देना, ऐसी क्रिया जो प्रयुक्त ना की गई हो वाक्य में, उसके उपपद में क्रिया जो आती है उसके कर्म में चतुर्थी विभक्ति का विधान किया गया है। देखिए उदाहरण से मैं समझाऊंगा तो बातें साफ हो जाएंगी। चलिए एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। फूल लाने के लिए जाता है, इसको सही से समझ लेना। ये समझ लिया तो आपने ये मान लीजिए कि ये इतना सरल हो जाएगा, ये आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। फूल लाने के लिए, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये है मुख्य चीज, लाने के लिए जाता है। यहां जो प्रयोग की क्रिया के लिए क्रिया, यानी कि जो जाने की क्रिया है वो किसके लिए हो रही है? लाने के लिए हो रही है ना। जो जाने जाना है, जो जाने की जो क्रिया हो रही है वो फलों को लाने के लिए हो रही है। तो यहां याद रखना जो प्रयुक्त ना हो, यहां एक शब्द और बढ़ा देंगे हम, बनाएंगे हम, क्योंकि मैंने बताया था इसकी व्याख्या थोड़ी सी, शब्दों की जो व्याख्याएं हैं
पांडित जी ने जो शब्द बनाए, जो सूत्र बनाए, उनकी व्याख्याएं ही मुख्य है। तो यहां जो शब्द है इसमें एक चीज और बनाएंगे हम, जो प्रयुक्त ना हो ऐसी क्रिया तुमुन प्रत्ययुक्त ठीक है, जो प्रयुक्त ना हो तुमुन प्रत्ययुक्त क्रिया फूल लाने के लिए जाता है। तो यहां पर ये प्रयोग हो रही है लेकिन दर्शाने के लिए मैंने प्रयोग किया है इसको। अब हमारे पास उपपद जो क्रिया है वो ये है, ठीक है ना, क्रियात क्रिया, यानी क्रिया की जा रही है क्रिया करने के लिए, ठीक है। तो ये कैसे होनी चाहिए उपपद, जो जो मुख्य क्रिया है ये लाने के लिए, वो तुमन तुमन अंत जो तुमन प्रत्यय है उसके द्वारा ही प्रयोग की जानी चाहिए। अगर तुमन से हटकर के कोई क्रिया की जा रही है तो उसमें चतुर्थी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक। अब देखिए तो फूल क्या हो गए इसके, फूल लाने के लिए, लाने वाली जो क्रिया है जो प्रयुक्त नहीं हो रही है उसका ये कर्म हो गया। यहां तो मैंने दर्शाने के लिए इसको प्रयुक्त कर दिया है लेकिन ये बाकी कैसे बनेगा इसको देख लीजिए। फूल के लिए जाता है, यहां लाने वाला शब्द, यहां पर जो क्रिया है वो प्रयोग नहीं की जाएगी, ठीक। अब यहां पर जो लाने वाली क्रिया थी वो छिप गई है, अप्रज्ञमान है और हमें पता है वो तुमन प्रत्ययुक्त है, इसलिए ये उसका कर्म हो गया। इस कर्म से चतुर्थी का विधान किया जाएगा, ठीक है, और ये विकल्प से नहीं होगी। याद रखना अगर तुमनंत नहीं है तो होगी नहीं चतुर्थी, अगर तुमनंत है, अप्रज्ञमान है जिसका प्रयोग नहीं किया गया है, ऐसे वाक्य में इसमें चतुर्थी का विधान किया जाएगा। उम्मीद है थोड़ी सी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम इनको अब बनाते हैं। फूलों के लिए जाता है, ठीक है, क्या आ जाएगा, फूल की क्या आती है चतुर्थी में, पुष्पेभ्यः गच्छति, बस इतना इसमें प्रयोग किया जाएगा, पुष्पेभ्यः गच्छति, ये इसका बन गया। कर्म हमारा कौन सा है, ये है, लेकिन ये किसका कर्म है, लाने के लिए, इसके लिए, इसमें जो छुपी हुई है अप्रयुज्यमान क्रिया है उसका ये कर्म है, इसलिए इसमें प्रयुक्त किया गया है। जो प्रयुक्त ना हो तुमनंत तुमन प्रत्ययुक्त जो क्रिया हो उसके कर्म में चतुर्थी का विधान किया जाता है। छुपा हुआ क्या है उसे देख लेते हैं इसमें, है ना, पुष्पां आहर्तुम गच्छति, इस तरह से ये छुपा हुआ है। अब यहां जो आहर तुम है यानी कि लाने के लिए, तो तुम प्रत्ययुक्त है ये शब्द क्रिया, ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये पूरा दिखाया गया है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया गया है, पुष्पान आहर तुम गच्छति, परंतु यहां पर ये आहर तुम नहीं है इसलिए पुष्पेभ्य गच्छति, बस इतना ही इसमें प्रयोग कर लिया जाएगा। चलिए हम अगले उदाहरण पर चलते हैं। ज्ञान के लिए पढ़ता है, ठीक है, अब ज्ञान के लिए पढ़ता है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें पता कैसे चलेगा, तो इसका जो अर्थ होगा गहराई से समझने पर, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ता है, ठीक है, तो इसको क्या बन जाएगा, ज्ञानाय, चतुर्थी प्रयोग हो जाएगी इसमें, ज्ञानाय पठति, इसमें इस तरह से यहां दिखा दूं मैं आपको, फिर भी ज्ञानम
लब्धुम पठति। ठीक है, यहां द्वितीय का प्रयोग किया गया लब्धुम, यानी कि तुमुन प्रत्यय है, ये क्रिया जो है तुमुन युक्त है, इसीलिए यहां पर द्वितीय का ही प्रयोग किया गया है। यहां पर ये लब्धुम लुप्त है, अर्थात वो प्रयोग नहीं की गई, केवल उसका अर्थ निकल रहा है, अर्थ निकल रहा हो उसमें चतुर्थी का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला एक और उदाहरण देखते हैं। यश के लिए लड़ता है, यश के लिए लड़ता है। अब यहां पर लड़ना यश के लिए, तो इसको अर्थ में कैसे प्रयोग में लाएंगे, अपना यश बढ़ाने के लिए, अपना यश फैलाने के लिए लड़ता है। जब वो शब्द है फैलाना बढ़ाना, वो यहां प्रयुक्त नहीं किया गया है, प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यश जो है उस अप्रयुक्त, जो प्रयुक्त नहीं हुई है उसका कर्म हो गया और इससे चतुर्थी का प्रयोग कर लिया जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यश से युद्धते। ठीक है, इसको वैसे लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम, मुख्य रूप से जो बनाना है हमें, यशः वितनितुम युद्धते। ठीक है, इस तरह से इसको प्रयोग कर लिया जाएगा। छोटा सा उदाहरण एक और है इसी की तरह बिल्कुल, फलों के लिए जाता है, ये फूलों के लिए जाता है, फलों के लिए जाता है, एक ही जैसे हैं कि फूल की जगह इसमें फल का प्रयोग कर लिया जाएगा बस। तो इसमें हम फूलों के, फलों के लिए जाता है, तो इसमें भी अर्थ लगाएंगे, फल ले लाने के लिए जाता है, तो लाना इसमें क्रिया छिपी हुई है, इसलिए ये कर्म में चतुर्थी का प्रयोग कर लिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फलेभ्यः याति, और वैसे फलानि आहर्तुम याति। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी प्रयास किया है, पूरा प्रयास किया है, कोशिश करी है समझाने की, और आज मैं केवल एक ही इसको बताने का प्रयास किया है और एक ही बताऊंगा, क्योंकि इसमें फिर लंबा वीडियो हो जाएगा ज्यादा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।